सीतामढ़ी सांसद का भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया विरोध, लगाए मोदी मोदी के नारे, सांसद हुए अबाक। विरोध देख जदयू कार्यकर्ताओं ने भी संभाला मोर्चा, सांसद के पक्ष में लगाए नीतीश कुमार जिंदाबाद के नारे। जो आपके लोग पार्टी जिंदाबाद का प्ले कार्ड लेकर है, उनसे मेरा अनुरोध आग्रह होगा, सभी पार्टी जिंदाबाद है और उससे बड़ा है सीतामढ़ी जिंदाबाद है, सीतामढ़ी जिंदाबाद सबसे बड़ा, हमारा सीतामढ़ी सबसे बड़ा, उससे बड़ा कोई नहीं है। सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन के तर्ज पर पुनर्विकास के लिए 272 करोड़ रुपए की सौगात मिली। रविवार को पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पुनर्विकास का शिलान्यास किया। मौके पर जदयू सांसद सुनील कुमार पिंटू भाषण दे रहे थे, तभी अचानक से भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जमकर विरोध शुरू कर दिया, मोदी मोदी के नारे लगाने शुरू कर दिए। यह सब देख सांसद अवाक रह गए, कुछ मिनटों के लिए अपने भाषण को भी रोक दिया। अपने पार्टी के सांसद का विरोध देख जदयू कार्यकर्ताओं ने भी मोर्चा को संभाला, नीतीश कुमार जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। यह पूरा वाक्य उस दौरान हुआ जब पूरे मंच सजे हुए थे, स्थानीय जनप्रतिनिधि अपना भाषण दे रहे थे। सबको इंतजार था कि पीएम मोदी 11 बजे देश भर के 508 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास का शिलान्यास करेंगे, तभी अचानक इस दौरान यह वाक्य हुआ जिसे सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन पर उपस्थित आम आवाम अवाक रह गए कि अचानक से यह पूरा क्या माजरा है। आपको बताते चले कि सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन के तर्ज पर बनाने के लिए कवायद को शुरू कर दिया गया है। अब आपको वहां पर एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं प्राप्त होगी। देखिए क्या हुआ था पूरा वाक्य। जाने के बाद आप सीतामढ़ी में आने वाले जो भी टूरिस्ट आएंगे उन्हें लगेगा कि हाँ हम कहीं किसी स्थल पर गए। जब मैं पर्यटन मंत्री था उस काल में सीतामढ़ी में रेलवे से परमिशन लेकर और विभाग के द्वारा जानकी जी की उद्धव ये झांकी की मूर्ति को लगवाने का कार्य किया था। आज पुनः माँ सीता के आशीर्वाद से, आप सबों के आशीर्वाद से मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि सीतामढ़ी स्टेशन का जो वर्ल्ड क्लास का दर्जा दिलाने का जो मांग था आज वो पूरा होता हुआ दिख रहा। मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने माननीय रेल मंत्री जी से एक और मांग रखी है। मैं समझता हूं मंच पर बैठे लोग और मंच के सामने बैठे लोग मेरे इस मांग को सहमति देंगे। मैंने कहा कि सीतामढ़ी स्टेशन का नाम सीतामढ़ी धाम किया जाए, ये करके इस स्टेशन का नाम है। उन्होंने कहा कि आप लौट कर आइए, कार्यक्रम के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम से एक पत्र मुझे दीजिए, जरूर ये होगा। पक्ष और विपक्ष के मिलने के बाद ही लोकतंत्र होता है और लोकतंत्र का जन्म हुआ है पक्ष और विपक्ष से। इसलिए यहाँ पर जो आपके लोग पार्टी जिंदाबाद का प्ले कार्ड लेकर है, उनसे मेरा अनुरोध आग्रह होगा, सभी पार्टी जिंदाबाद है और उससे बड़ा है सीतामढ़ी जिंदाबाद है, सीतामढ़ी जिंदाबाद सबसे बड़ा, हमारा सीतामढ़ी सबसे बड़ा, उससे बड़ा कोई नहीं है। भारत सरकार का